शराब की ही सियासत में फंसा रह जाता है आम आदमी, जो अपनी गर्भवती पत्नी को दिखाने अस्पताल जाता है। सरकारी अस्पताल कहता है सब ठीक है, बाद में आना। घर आते ही पत्नी को बेइंतहा दर्द होता है। फिर गरीब आम आदमी पत्नी को लेकर चलता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में राजभवन के पास ही सड़क पर बच्चे को जन्म माँ देती है, बच्चा चल बसता है। फिर क्या होता है, कहानी पूरी अंत तक देखिए। ये वीडियो रविवार को उत्तर प्रदेश से आया, लखनऊ से निकला वीडियो देश भर के सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें हाथ में कपड़ा लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य महकमे का जिम्मा उठाने वाले ब्रजेश पाठक नजर आते हैं। उनके सामने काले रंग के कपड़े में गरीब आम आदमी खड़ा, नाम है ब्रजेश सोनी, जिनकी बच्ची की मृत्यु हुई। अंतिम संस्कार में प्रदेश के डिप्टी सीएम तक शामिल होते हैं, लेकिन कहानी यहां से नहीं शुरू होती। कहानी शुरू होती है इस वीडियो से, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में विधानसभा से महज 5 मिनट की दूरी पर राजभवन से सटी हुई दीवार के पास कपड़े का टुकड़ा घेर कर खड़ी हुई कुछ महिलाएं नजर आती है। यहाँ घेरा बनाकर रूपा सोनी नाम की एक गरीब माँ के बच्चे का जन्म कराया जा रहा, लेकिन क्यों? क्योंकि रिक्शे पर अपनी गर्भवती पत्नी को ब्रजेश सोनी लेकर जा रहे थे। राजभवन के पास अचानक ऐसी इमरजेंसी वाली स्थिति आई। आसपास गुजरने वाली महिलाओं ने किसी तरह रूपा सोनी के बच्चे का जन्म राजभवन के पास सड़क किनारे कराया। इस वीडियो को देखकर सब पूछने लगे कि जहां जनता के घर तक सरकारी योजनाओं को डिलीवर करने के दावे होते, वहां सड़क पर गरीब सब्जी वाले के बच्चे का जन्म क्यों कराना पड़ रहा है। इसीलिए आज तक संवाददाता संतोष कुमार लखनऊ में ही 2,000 रुपए महीने का कमरा किराए पर लेकर रहने वाले ब्रजेश सोनी के पास पहुंचे, पूछा सड़क पर ही पत्नी की डिलीवरी क्यों करानी पड़ी। सिविल लेकर हम सिविल इमरजेंसी में दिखाए, दवा इंजेक्शन दे दें, दवा दे दें, घर का जाओ दादा आराम हो जाए। लेके आन यहाँ तो आराम नहीं भैया, लेके गए जा रहे फिर से झलकारी भाई ले, जब दर्द बंदा नहीं ये 13 नंबर गेट के पास बच्चा हुई हुआ, रिक्शे के ऊपर बैठ 3 पहिया वाले साइकिल वाला, ये रिक्शे से ले जा रहे जी। अच्छा हाँ, हमारा नाम भाभी रहा है हमारा बीबी। तो वही सड़क पे ही, सड़क पे ही हुआ। सरकारी अस्पतालों का सच यही है जो ब्रजेश सोनी बताते हैं, दौड़ाया जाता है। फिर एक दिन कोई रूपा सोनी अपने बच्चे को सड़क पर जन्म देकर खो देती है। सड़क पर जन्मा नवजात फिर बच नहीं पाया, मृत्यु हुई तो लोग सवाल करने लगे। स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तुरंत अंतिम संस्कार करने पहुंच गए। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली, किसने लापरवाही की, इसकी जांच के आदेश भी दे दिए और ये आश्वासन भी कि सब अच्छा होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक ठाक हो जाए, निपट जाए, परेशान न हो। पूरे प्रकरण के हमें जांच के आदेश दिए हैं। बच्चा क्योंकि नवजात था, 4.5 माह का था, उसको उनके पिताजी के साथ करके हमने बैकुंठ धाम पे विधिवत ढंग से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसको हमने अंतिम संस्कार करा दिया था। फिर क्या हुआ, ये कहानी सबके लिए खत्म हो गई, लेकिन हमारे लिए नहीं। ब्रजेश सोनी जो बात आज तक के कैमरे पर कहते हैं उसे सुनना बहुत जरूरी है। इनसे हमने पूछा कि क्या आपने सरकारी एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया था। एम्बुलेंस फोन का करी, गरीबन के लिए है नहीं कहाँ भैया कोई नंबर, तो हमका नंबर मलमो रहा तो हम का कर लेते ना। अगर गरीबन ले कुछ आज तक के जीवन हमका कुछ स्वार्थ मिला होता है थोड़ा सा भी। सरकारी योजना तुम्हें नहीं मिली यहाँ पर, ये केस का मकान है ये महेश भैया भाई का, भैया छोटे किराए का मकान है जी। कैसे घर चलाते हो, ये कितने रुपए के किराए पर है ये? फिलहाल 2000 दे जानी सर। सच्चाई है ये, ब्रजेश सोनी जैसे हर जिले हर राज्य में लाखों करोड़ों नागरिक ऐसे रह जाते हैं जिन्हें नहीं पता कि वो क्या करें। सरकारी अस्पतालों ने सही इलाज नहीं बताया, इंजेक्शन देकर दौड़ाया, डिप्टी सीएम ने फिर आश्वासन दे दिया, लेकिन फिर क्या, समाधान क्या है? एक पीड़ित पिता से हमने पूछा, सरकार से आप क्या चाहते हैं? इसे अगर मतदान में यहाँ आवत जनगणना में आ जाता है सब लोग, वो इसे अगर घर घर दुख तकलीफ अगर एक अधिकारी छोड़ दे एक एक मोहल्ले में यहाँ, तो एक घर में तकलीफ न रह जाए। मतलब हर अधिकारी गांव घर घर जाकर के देखे कि किसके घर में, एक अधिकारी एक मोहल्ला तो पकड़वाई करे। जैसे जनगणना में जा सकता, आंगनबाड़ी में जा सकता, सबका हम जा सकते हैं, तो इके लिए नहीं जा सकते। करे हर मोहल्ले के एक अधिकारी पकड़ ले कि कोई कमी है बेसी है, कैसे कहा है, कैसे जीवन काट रहा, कोई का चीज नहीं है। छोटे से कमरे में 4 बच्चे ब्रजेश और उसकी पत्नी, यानी कुल जमा 6 लोग इस छोटे से कमरे में रहते हैं, सब्जी कभी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो सरकारें दावा करती हैं कि सरकार आपके द्वार, क्या वास्तव में सरकारें गरीब के द्वार
पहुंच पा रही हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।